धन्यवाद साहब, बहुत बहुत बड़ा बढ़िया लग रहा है। हमारे कांग्रेसी साथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के समय जाना पड़ेगा, जब कांग्रेस CWC में पास करके सदन में चर्चा नहीं कराती थी। अगर बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, असलियत में इन बीजेपी वालों को ज्यादा मजबूत करने की पूरी जिम्मेदारी आपको जाती है, लोग कहते हमें है, क्योंकि आपको विरोध करना है। कितना ही बढ़िया काम कर दो, खड़े होकर हम विपक्षी हैं, विरोध करना है। लोगों में मैसेज ये जाता है, यार ये कांग्रेसियों का तो दिवाला निकल गया दिमाग का, ये तो बगैर मतलब की बकवास करते हैं, खड़े होकर विरोध ही करते हैं, विरोध ही करते हैं, विरोध ही करते हैं। सब ये जो सब ये जो हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, रुक जा जरा नागर जी, नागर जी रुक जा जरा, अच्छा सब बैठो बैठो जरा करते हैं सब। अगर सच में, अगर सच में मेक योर पॉइंट, अगर कोई सब वापस ऐसा निकला जिस पर आपत्ति है, वापस लेता हूँ। टाइम इज वेरी शॉर्ट, हाँ सब खत्म कर रहा हूँ बस। सब जब ये सारे बोल रहे हैं टाइम है, मेरे नंबर पे टाइम खत्म हो रहा है। अगर सच में आज के वर्ल्ड के हालातों को देखते हुए अगर अभी भी हम पार्लियामेंटेरियन 370 की चर्चा करेंगे और दो पिछले साल में पहुंचेंगे, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विपक्ष खत्म हो जाएगा और ये अपने मर्जी से जो चाहे करेंगे, इसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। असलियत में हमें अच्छी चीजों की शुरुआत करनी चाहिए और अच्छी चीजों पे बात रखनी चाहिए, और जो सरकार अच्छे काम करे उसको कम से कम, अच्छाई भी ना करो तारीफ भी ना करो, तो कम से कम खड़े होकर के बगैर मतलब का विरोध मत करो, जिससे कि आम पूरा वर्ल्ड पूरा संसार देख रहा है। और बगैर मतलब के अब कोई पिक्चर आई है कश्मीर फाइल, हनुमान बेनीवाल ने, हमारे साथी ने भी कहा, अरे उस डायरेक्टर को जाके पहले स्टडी करो, उसके पिछले 25 साल की एक एक फिल्म को देखो, वो 4-5 साल उस पर रिसर्च करता है और हर क्लिप को उठा करके जू की त्यू उसको अपने स्टोरी में पिरो के उसको रिलीज करते हैं। तो मैं मांग करता हूं कि इस तरह की पिक्चरों को बढ़ाने के लिए टैक्स फ्री करना चाहिए। आपको भी रुक जाओ, भी आपकी तरफ भी आ रहा हूं थोड़ा सा सर। सब ये जो मैं अगर जम्मू कश्मीर, हनुमान बेनीवाल रुक जा जरा डटा रहे। अगर जम्मू कश्मीर को खुशहाल देखना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं जो अगर कोई 370 की बात करे तो लोग उस पर टूट करके पड़े, तो जम्मू कश्मीर के अंदर जाके पूरी उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और पूरे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की बाउंड्री से लेकर के और जो इंटीरियर का इलाका है उस पे अगर जाएंगे। सब खत्म कर रहा हूं, माइंड अप कर रहा हूं बस। जो हमारे साथी अभी हनुमान बेनीवाल ने बोला है, जो गुजर बकरवाल हैं वहां, जो देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, उनकी सुविधा देखनी पड़ेगी, उनके लिए ऐसी जेड बनाना पड़ेगा। उनके गाय बकरी भैंसों का काम है, इसीलिए उन्हें बकरवाल कहते हैं। उनके जो टीचर हैं, जो मौसमी टीचर हैं, 6 महीने का उनको 1 साल का करना चाहिए। सब वाइंड अप कर रहा हूं बस। और जो उनकी पिछले दिनों बगैर मतलब तोड़फोड़ हो गई थी, उनकी तोड़फोड़ को कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर, अधिनियम 2006 की प्रक्रिया को अपना करके उनको राजस्व डिक्लेयर करके और उनको सुविधा दी जाए। सब खत्म कर रहा हूं बस। और जो एक आधी बात रह जाए आप भुलवा देते हो, घंटी ब घंटी। सब मैं वाइंड अप कर रहा हूं बस। और जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, ये गुजर बकरवाल, उनकी गुजरी भाषा को भी मान्यता दी जाए, जिससे अगर वो एक हो गए, उनका खान पीन रहन सहन बिल्कुल अलग है, जो करीब 30% है, 29.4%, अगर उनको ठीक कर लिया, जम्मू कश्मीर के सारी चीजें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी और 370 पे जो भी कुछ चर्चा करेगा लोग उठा के उसका वहीं इलाज कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।